और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में 15 फरवरी से भाजपा का राज्य स्तरीय सम्मेलन, तैयारियां तेज, आएंगे 12,000 पदाधिकारी। नेरुल के रहेजा कंपाउंड में 15 और 16 फरवरी को भाजपा का राज्य स्तरीय परिषद आयोजित किया गया है। प्रांताध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, पूर्व मंत्री जय कुमार रावल और नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष रामचंद घरत ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाध्यक्ष रामचंद घरत ने बताया कि नवी मुंबई में पहली बार आयोजित इस परिषद में पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस, सभी विधायक और प्रांतीय पदाधिकारियों समेत तकरीबन 12,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहां मुख्य अतिथि होंगे, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसी मंच से महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष की नियुक्ति और नई कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा होने वाली है। मेरे पूरे जिले के कार्यकारिणी के सिरे पूरे महाराष्ट्र के लेकर लगभग 12,000 लोग आने वाले हैं। ये महाराष्ट्र में 3 साल में पहली बार अभी नई मुंबई में हो रहा है। यहाँ पे 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विरोधी पक्ष नेते माजी CM देवेंद्र फडणवीस, इनके आधिपत्य के नीचे यहाँ पे मेरे 15 के तेरना कॉलेज के प्रोग्राम में मेरे खासदार, मेरे आमदार, मेरे जिलाध्यक्ष, ऐसे कुल मिला के प्रदेश के कार्यकारी मिला के 500 लोगों का वहाँ पे सम्मेलन होने तेरना कॉलेज में होने वाला है। उसके बाद 16 को मेरे एक ऑफिस का भूमि पूजन होएगा। भूमि पूजन करके यहाँ पे ये परिषद के लिए सब आएंगे और यही से न्यू बॉम्बे की इस धरती से महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाएगा। पूरे न्यू बॉम्बे में मेरे भारतीय जनता पार्टी का 1,00,000 झंडा लगने वाला है। BJP का एक वातावरण निर्मिति तैयार करने का हम लोग यही प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करेंगे और पूरे नवंबर में हमारे छोटे छोटे मीटिंग्स, छोटे छोटे प्रोग्राम अभी भी चालू हो गए हैं। हमारा मकसद ये भी रहेगा कि न्यू बॉम्बे में आने वाले चुनाव में यहाँ से कुछ संदेश जाएंगे, यहाँ से कुछ ठहराव पास होएंगे और परिषद का फ़ायदा उठाने का काम हमारी न्यू बॉम्बे के इलेक्शन के लिए हम लोग करेंगे, जो हर पार्टी करते हैं वैसा हमने भी सोचा है और इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले नवम्बई महानगर पालिका इलेक्शन में होने वाला है। नवी मुंबई मनपा चुनाव से ठीक पहले आयोजित इस परिषद का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा, इस सवाल पर जिलाध्यक्ष रामचंद घरत ने कहा कि सत्ता हथियाने के लिए एकजुट हुई शिवसेना, कांग्रेस और NCP को हराकर नवी मुंबई में पुनः सत्ता हासिल करना ही भाजपा का लक्ष्य है। पार्टी परिषद से कार्यकर्ताओं को नई ताकत मिलेगी कि महाविकास आघाड़ी लाख कोशिश कर ले, लेकिन जीत भाजपा की होगी। जनता सदैव लोक नेता गणेश नाइक के साथ रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने विधायक मंदा मात्रे MLC रमेश दादा पाटिल का नाम लेते हुए कहा कि हम मनपा चुनाव में जोर लगाएंगे और बहुमत के साथ जीतेंगे। इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां मालिक की है और यही भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है, नॉन करप्टेड पार्टी है और ये सब जो लोग हैं मालिक के पार्टी के लोग हैं, सब करप्टेड लोग हैं। अभी उनकी प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो हराना चाहिए क्योंकि इनको करप्ट करने को मिलता नहीं, तो सब लोग एक होकर जुड़ गए हैं। और मेरे न्यू बॉम्बे में गणेश जी नाइक साहब मेरे पार्टी में आ गई है, 55 नगर सेवक उन्होंने लाया है, एक ताकत मेरे इस निभा में भारतीय जनता पार्टी की उनके वजह से बढ़ गई है। और आपने इतिहास देखा होगा, 25 साल के इस इतिहास में जब भी इलेक्शन लड़े गए, सब पूरी पार्टियाँ एक तरफ और गणेश नाइक साहब एक तरफ, तो इस बार में ऐसा ही है, हर बार वैसा ही होता है। सारी पार्टी एक जगह होती है और गणेश नाइक एक जगह होता है और हर टाइम गणेश नाइक पूरे बहुमत के साथ जीत के नई मुंबई महानगर पालिका का, इस नई मुंबई का कारोबार कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी गणेश नाइक की एक ताकत, मंदादेवी मात्रे एक हमारी आमदार है वो एक ताकत, रमेश दादा पटेल एक हमारे आमदार है कोली महासंघी वो एक ताकत, मेरे संगठन की ताकत, ये सब ताकत एक होके ये तीनों लोगों को, जिनको हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, वो हिसाब से इनका काम बिगड़ने वाला है आने वाले इस टाइम में। पूरी तरह वन साइड BJP का महापौर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।